एसके लाइव आपका समय आपकी खबर में। मैं रुचिका सुमानी, मेरे साथ कैमरामैन सनी। लॉटरी इंटरनेशनल फर्म है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्किम के राजा छुगेल के समय से यहाँ रोटरी क्लब का गठन हुआ था। आज रोटरी क्लब गैंगटॉक का 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज उनका 51वां इंस्टॉलेशन है। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट श्री प्रकाश मुंद्रा जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे रोटरी क्लब के बारे में जानकारी लेते हैं। रोटरी क्लब ऑफ गैंगटॉक को स्थापित हुए 50 साल पूरे हो गए हैं, तो आज 51वां इंस्टॉलेशन है, तो ये एक टीम वर्क रहता है, तो इसमें आपकी टीम के बारे में थोड़ा सा बताइए और आपकी इस बार की आने वाली थीम क्या है। ये बार रोटरी क्लब ऑफ गैंगटॉक का प्रेसिडेंट मैं हूँ और मेरे टीम में रोटेरियन दीपक मुंद्रा सेक्रेटरी हैं और आने वाले प्रेसिडेंट मोहनलाल सारदा हैं। डायरेक्टर्स में मैंने सीनियर मेंबर्स, जूनियर मेंबर्स, नए मेंबर्स को लिया हुआ है ताकि जोश भी रहे और होश भी रहे। और आरआई थीम ये बार है बी द इंस्पिरेशन। हमारा रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बैरी रेसिन जो बहामास का है, उन्होंने ये थीम रखा है। अच्छा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? ये साल मैंने सोचा है कि नॉर्मली हम रेगुलर प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जिससे हम लोग को रोटरी क्लब ऑफ गैंगटॉक को सोसाइटी यहाँ पे हरदम के लिए याद रखे। इसके लिए अभी सर्वे चल रहा है, अभी वो प्रोजेक्ट्स का डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा मैं। तो रोटरी क्लब क्या है और ये कैसे कार्य करता है, जरा इसके बारे में बताइए। रोटरी क्लब एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और ये कार्य सोशल सर्विस ज़्यादा करती है। इसमें कोई परिभाषा नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जहाँ लगता है कि यहाँ पे समाज का उद्धार होगा वो कार्य करती है। वर्ल्ड वाइड पोलियो इरेडिकेशन में रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है और अभी रोटरी पोलियो वर्ल्ड ऑलमोस्ट पोलियो फ्री है, तो अभी रोटरी ने डिसाइड किया है कि लिटरेसी के ऊपर काम करेंगे, तो अभी लिटरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो रोटरी में जो स्कॉलरशिप का आपका जो प्रोजेक्ट रहता है वो आप कैसे देते हैं, किन बच्चों को देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रोटरी एक पीस स्कॉलरशिप देती है, उसके बारे में आपको रोटरी के वेबसाइट पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। और लोकली भी हम स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, वो लोकल क्राइटेरियाज पे डिपेंड करते हैं। तो कोई भी बच्चा जो नीडी हो, स्कूल के तरफ से उसका रिकमेंडेशन आता है, हम उसको स्टडी करके स्पॉन्सरशिप देते हैं। अच्छा, तो ये रोटरी अगर किसी को बनना है रोटरी का मेंबर, तो उसको क्या करना पड़ेगा और आप किस हिसाब से लेते हैं, मतलब कोई स्पेशल कोई ऑक्यूपेशन है या किस हिसाब से उसको लेते हैं? पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन अभी वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है। एनीबॉडी हु वांट्स टू बिकम अ रोटेरियन, वो हमारे 3 मीटिंग अटेंड करेगा। 4th मीटिंग में हम वो मेंबर नहीं आ सकता है और हम मेंबर्स लोग डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर हमको लगता है कि ये मेंबर ठीक है तो वो लिया जाएगा, और कोई एक मेंबर भी बोल देता है कि नहीं और जस्टिफाई करता है तो उसको मेंबरशिप नहीं मिलती है। तो बेसिकली इनविटेशन पे ही मेंबरशिप दिया जाता है। इसमें रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, तो रोटरी में 35,000 क्लब एक साथ काम करते हैं, तो इसके बारे में आपका मतलब ये कैसा लगता है कि 35,000 लोग एक साथ में काम कर रहे हैं, क्लब एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप एक साथ कैसे जुड़ते हैं? रोटरी अभी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन टोटल जा चुका है और आपको सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के अंडर में रहता है। एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के अंडर में रहता है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, वो आगे रोटरी इंटरनेशनल को रिपोर्ट करता है और पूरा कोऑर्डिनेशन से काम होता है। मोर ऑर लेस रोटरी डिसाइड कर लेता है, एक आरआई प्रेसिडेंट अपना डिसाइड करता है कि मेरा एरिया ऑफ फोकस ये साल ये रहेगा, तो उसके ऊपर काम होता है मेनली, और बाकी तो लोकल एरिया के हिसाब से भी काम होता है। तो रोटरी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना प्रकाश जी से, तो धन्यवाद प्रकाश जी आपका। थैंक यू।